नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई खबर में। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट मैच के बारे में, जो कि आज सुबह स्टार्ट हो चुका है। 14 तारीख को सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो चुका है पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, जहां पे बताया ये जा रहा है कि टीम इंडिया 100% इस टेस्ट मैच को जीतने वाली है और बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ेगा पहले टेस्ट मैच में। तो वो क्या कारण है, क्यों बांग्लादेश टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, भारतीय टीम क्यों जीत रही है और फिलहाल बांग्लादेश टीम का स्कोर क्या है, आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस को हार गए मगर मैच को अवश्य जीतेंगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश की ओर से सबसे पहले बैटिंग करने आए एस इस्लाम के साथ आईकेएस। तो यहाँ पे सबसे पहला विकेट जो 12 रन पर गिरा था, पहले 12 रन पर ही विकेट गिर गया आईकेएस का। उमेश यादव ने कैच लपका दिया आजिंक रहाणे को 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर। उसके बाद दूसरा विकेट गिरा एस इस्लाम के रूप में, रिद्धिमान साहा ने पीछे कैच लपक लिया, ईशान शर्मा ने कैच लपका दिया 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर। और उस टाइम भी बांग्लादेश का स्कोर 12 रन ही था, यानी कि 12 रन पर ही बांग्लादेश टीम के दो विकेट गिर गए और बांग्लादेश टीम बहुत ज्यादा दबाव में आ गई थी। उसके बाद एम हक खेलने आए, तो एम हक यहां पे नॉट आउट अभी भी खेल रहे हैं, 48 गेंदों में 8 रन पे खेल रहे हैं 3 चौके के साथ। इसके बाद हम बात करें तो एम मिथुन खेल जाए यहाँ पे, तो एम मिथुन ने यहाँ पे 36 गेंदों में 13 रन बनाकर LBW यहाँ पे आउट कर दिया है मोहम्मद समी ने। तो यहाँ पे मोहम्मद समी को एक विकेट मिला है और मोहम्मद समी ने जो विकेट लिया था वो 18वें ओवर की अंतिम गेंद पे लिया था। और अब बांग्लादेश टीम का स्कोर हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे 23 ओवर में 50 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान से। और एम हक और एम रहीम खेल रहे हैं, एम रहीम यहाँ पे 11 बॉलों में 3 रन पे खेल रहे हैं और एम हक यहाँ पे 48 गेंदों में 18 रन पर नाबाद खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या भारतीय टीम इन सभी को आज शाम होने से पहले पहले आउट कर पाएगी या फिर दोस्तों नहीं कर पाएगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और आप कमेंट करके ये भी बताना क्या आर अश्विन यहाँ पे आज हैट्रिक बना पाएंगे और मोहम्मद समी भी अपनी हैट्रिक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, इस खबर में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।